शाकाल, आप इतने मगन होकर क्या पढ़ रहे हो? दुश्मन को हराने के लिए उसकी खूबियों से ज्यादा उसकी कमियों का पता होना चाहिए। मैंने भी जय सिंह से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात का पता लगा लिया है और अब मुझे उसकी एक ऐसी कमी का पता चला है जो उसको पल भर में डुबो सकती है। क्या बात कर रहे हो शाकाल, फिर देर किस बात की? उस चीज के बारे में बताओ। पता चल जाएगा जब वो चीज सन सिटी पहुंचेगी तो बिजलियां कड़केंगी, भूचाल आ जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूं शाकाल। जय सिंह चौहान, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। समझे रुद्रा? ये शहर में इतनी भागा दौड़ी क्यों मची हुई है रुद्रा, तुम्हें कुछ पता है? नहीं दादाजी। अचानक से इतनी बिजलियां कैसे गिर सकती हैं? मौसम तो साफ है फिर भी बिजली गिर रही है, ये तो किसी जादूगरी का ही असर लग रहा है। रुद्रा तुम यहीं रहना, मैं देख कर आता हूँ। कौन हो तुम? मेरी सन सिटी पर बिजली क्यों बरसा रहे हो? मुझे पता है ये नेचर का नहीं किसी बैड क्रीचर का काम है। सामने आओ। कौन हो तुम? जय सिंह, मैं हूँ इलेक्ट्रो लेडी। ना तीर से ना तलवार से, वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। इलेक्ट्रो लेडी, तुम मेरी सन सिटी से अभी चली जाओ। मैं औरतों पर वार नहीं करता, नहीं तो तुम्हारे वार का एक मिनट में जवाब दे देता। जय सिंह, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम औरतों पर वार नहीं करते। तुम्हारी इसी अच्छाई का तो मैं फायदा उठाने आई हूँ। देखा जोगा, आज मैंने ऐसा दांव खेला है कि जय सिंह चौहान चारों खाने चित हो गया है। अब वो चाहकर भी अपनी सन सिटी को नहीं बचा पाएगा। उसूल पसंद लोगों की यही कमी होती है। मैंने जय सिंह की उसी कमजोरी को पकड़ लिया है। जय सिंह चौहान, मैं तुम्हारी चाल समझ गई। तुम मुझ पर वार नहीं कर सकते तो मुझे कैद करना चाहते हो, पर इतना आसान नहीं।
इलेक्ट्रो लेडी, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। Really? सॉरी दादाजी, पर मैं यहाँ बैठकर आपको खतरे में नहीं देख सकता। दादाजी को चोट लगी है। रुद्र, वो हमारे पीछे आ रही है। इबाइस का प्रोटेक्टो। तुम नहीं बच सकते जयसिंह चौहान, मेरी बिजली तुम्हारा महल भी नहीं छोड़ेगी। अरे कर भला तो हो भला, दादाजी को क्या हुआ? ये लीजिए, पानी पीजिए। रुद्रा, वो लेडी बहुत खतरनाक है, कोई भी पैलेस से बाहर नहीं जाएगा। पर दादाजी, हम कब तक पैलेस में बैठे रहेंगे? बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो गुस्से में पूरी सनसिटी को बर्बाद कर देगी। नहीं रुद्रा, बाहर जाने का ये सही समय नहीं है। उसकी बिजली में नॉर्मल बिजली से कई गुना ज्यादा चुभन है। मेरी तबीयत जरा संभल जाने दो, मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। जय सिंह चौहान, कब तक ऐसे छिपे बैठे रहोगे? मैं फिर आऊंगी, भूल मत जाना। ना तीर से ना तलवार से वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। दादाजी, लगता है वो चली गई। हो सकता है वो फिलहाल चली गई हो, पर खतरा अभी टला नहीं, इसलिए कोई बाहर मत जाना। कर भला तो हो भला, जब मैं यहाँ हूँ तो हूबहू मेरे जैसा दिखने वाला गार्डन में कौन है? जाकर देखना पड़ेगा। तुम कौन हो? मैं रंगीला। तुम कौन हो? मैं शंग्रीला। शंग्रीला कौन? मैं तुम्हारा जुड़वा भाई। तुम्हें याद नहीं, हम दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे? कब, कैसे? मुझे तो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया, ना दादाजी ने, ना रुद्रा ने। भाई भाई, आ जाओ मेरे गले लग जाओ भाई। ना तीर से ना तलवार से वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। ओह नो, ये रंगीला उसके पास कैसे पहुँच गए? रुद्रा, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम सब अंदर से मुझे देख सकते हो। देखना दिखाना ऐसे ही चलता रहेगा अगर तुमने पैलेस का गेट नहीं खोला तो। जल्दी गेट खोलो, नहीं तो मैं इस रंगीला को खत्म कर दूंगी। दादाजी, रुद्रा, मुझे बचाओ, अरे मेरी हेल्प करो। दादाजी, अब हम क्या करें? रंगीला को बचाना है तो गेट खोलना ही पड़ेगा। मैं जाता हूँ। नहीं वरुण, गेट मत खोलना। एक बार पैलेस का गेट खुल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सोच लिया है क्या करना है, मैं बाहर जाऊंगा। क्या कह रहे हो रुद्रा, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा।